देखिए <laughs> रिजर्व सरप्लस का नोट जो एग्जाम में ना अलग से इसपे क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ रिजर्व सरप्लस का नोट बनाइए बस अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि रिजर्व सरप्लस का नोट बनाना है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगा सबसे पहले आपका यहां पे दो बातें हैं रिजर्व एंड सरप्लस में एक है हमारा प्रॉफिट और एक है हमारा जनरल रिजर्व और एक बोल सकते हैं हम जनरल रिजर्व के अलावा अदर रिजर्व ठीक है ना अदर रिजर्व ये तीन पार्ट में हो गए अब अदर रिजर्व का अदर रिजर्व में क्या क्या आता है सर अदर रिजर्व में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व सी आर आर आ जाएगा मतलब इसके अलावा जो कि बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं उसको मैंने क्या नाम दे दिया अदर रिजर्व का ठीक है ना मेजरली हर पॉइंट्स में ये दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे ठीक है अब ये तीनों चीजें ना हमारे ओल्ड भी हो सकते हैं और न्यू भी हो सकते हैं तो मैं तीसरे वाले पार्ट की डिस्कस नहीं कर रहा बहुत रेयर मिलेगा तो ये दोनों ओल्ड भी होगा न्यू भी होगा तो सबसे पहले हम ओल्ड वाले सेक्शन की बात कर रहे थे ओल्ड तो में लिखेंगे हम जनरल रिजर्व सर ये ओल्ड वाला जनरल रिजर्व कहाँ मिलेगा ये मिलेगा हमें ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना उसके अंदर मिलेगा रिजर्व वो कौन सा होगा हमारा ओल्ड वाला इसके बाद हम थोड़ा गैप देके मैंने लिखा यहां पे ओल्ड वाला नेट प्रॉफिट या ओल्ड ओल्ड वाला वाला सरप्लस। सरप्लस भी कहां देखने को मिलेगा ट्रायल बैलेंस में समझ में आई बात आपको पहले यहां तक देखिए ये लिख लिया अगर आपको रिजर्व कैपिटल रिजर्व या डिवेंचर रिजर्व मिलता है तो वो थोड़ा गैप देखकर और नीचे लिख देंगे क्योंकि है इसी का ही पार्ट मैंने यहां नहीं लिखा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका पार्ट नहीं है इसी का पार्ट थोड़ा नीचे देखे अलग लिखेंगे समझ रहे हो बात को अब हम क्या करेंगे वेरी सिंपल <laughs> सबसे पहले अब हमारा जो स्टेटमेंट अब रिजर्व एंड सरप्लस का काम कहां से होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जब आता है ना आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसने देखो कर रखा होगा उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से निकल के आता है याद है तो वो वाला जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है ना उसे लिखेंगे हम यहां से उसे मैंने नाम दे दिया न्यू सरप्लस ठीक है अब न्यू वाले सरप्लस में से कुछ कुछ चीजें माइनस होती है क्या क्या इसके अंदर से माइनस करना होता है देखो जो पी में माइनस हुआ था वो तो हुआ ही हुआ उसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी कुछ चीजें माइनस होती है क्या क्या माइनस होता है सबसे पहले माइनस होगा इसमें अगर कोई इंट्रीम डिविडेंट है सर इंटरम डिविडेंट कहां देखने को मिलेगा यह भी ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा किसमें से इसमें से नहीं माइनस करना सिर्फ इसमें से या टोटल एक ही बार ले लेंगे या तो ऐसा करो ओल्ड वाले को हम बाहर ही लिख देते हैं ठीक है न्यू वाले के लिए हम अंदर कर लेते हैं और इसमें भी ओल्ड वाले को बाहर लिख देते हैं न्यू वाले को अलग कर लें ठीक है इसके बाद और क्या माइनस होगा इसमें से सर और इसमें से माइनस जो होगा वो होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सर ये कहां होगा ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा जैसे कि एक दो एडजस्टमेंट देखा होगा आपने तो हम क्या करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और ये जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है वो किसका होता है हमेशा इस वाले प्रॉफिट का होता है मैं एक अमाउंट ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा मान लेते हैं कि मेरा ओल्ड वाला जो था ना ये था एक लाख ऐसा ही एग्जांपल ले रहे हैं हम और न्यू हमारा निकल के आया पांच लाख और एग्जामिनर में ट्रायल बैलेंस में से पहले से कितना दे रखा था एक लाख इंटरम डिविडेंड एग्जामिनर ने एडजस्टमेंट में दिया कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%. परसेंट तो अब आप क्या करोगे माइनस तो करोगे लेकिन कितना माइनस करना है टेन परसेंट तो टेन परसेंट अब समस्या आता है सर किसका टेन परसेंट तो टेन परसेंट यह एडजस्टमेंट में होगा थोड़ा छोटा लिख देते हैं तो टेन परसेंट किसका होगा इसका ये भी माइनस ये भी माइनस लेकिन इसका क्या है ट्रायल बैलेंस की सिंगल एंट्री करते हैं तो ट्रायल बैलेंस तो एक जगह माइनस हो गया दूसरा तो कहीं लेके नहीं जाना है ना ट्रायल बैलेंस की क्या करते हैं हम सिंगल एंट्री एक जगह हो गया तो दूसरी जगह नहीं लेना लेकिन ये एडजस्टमेंट तो डबल एंट्री होनी चाहिए तो एक यहाँ से माइनस कर दिया और वापस यहां पे ऐड कर दो या फिर इसका नाम हो जाएगा न्यू जनरल रिजर्व और यहाँ पे पता क्या आएगा यही बात उठ के समझ में ही बात आपको कोई दिक्कत यहाँ तक इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट हो सकता है इसके ऊपर हो सकता है कि इसके ऊपर नहीं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स मैं इसका बता देता हूं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हालांकि यहीं से माइनस होता है लेकिन अगर बुक में दे रखा है इग्नोर करिए क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है कट चुका है वो समझे सिलेबस का पार्ट क्या क्या कट गया इसमें से एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और एक कहीं कहीं जनरल रिजर्व का भी पार्ट कट गया है आपको टेन ईयर जिन बच्चों ने लिया होगा टेन ईयर में देखने को मिलेगा तो मैं आप सभी बच्चों को यही बताऊंगा कि जी ये सिलेबस का पार्ट कट चुका है वो पुराने सोल्यूशन है तो जो मैंने सोल्यूशन कराया उसके ऊपर हंड्रेड ध्यान दें आप समझे इसके बाद सर कोई और भी हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है अगर डिविडेंड पेड हुआ तो अगर डिविडेंड पेड हुआ तो हो सकता है अदरवाइज नहीं होगा डिविडेंड पेड वाला आपने इतने क्वेश्चन करे अभी तक तो आपने देखा होगा डिविडेंड पेड वाला नहीं आता हमेशा आता है प्रोविजन वाला डायरेक्टर रिकमेंडेशन वाला जो कि कहां चले जाता है रिकमेंडेशन वाला नो no एंट्री होता है लेकिन उसको नोट डालते हैं कंटेंजेंट के नाम से करा था डिविडेंट वाले एडजस्टमेंट में हमने तो ये फटाफट से यहां पे ये रहेगा और ये अब जैसे टोटल करेंगे तो चार लाख ये साढ़े तीन लाख आएगा मान लेते हैं ओल्ड वाला ये कहां ट्रायल बैलेंस में दे रखा था दो लाख अब ये जाके हमारा जनरल रिजर्व का टोटल क्या होगा क्लोज होगा ये सबसे कब बात कर, बंद करना हमें नोट नंबर दो अब टोटल कर देंगे और टोटल करके हमारा कहा चले जाएगा नोट नंबर टू में तो अब जो बच्चे जिनको रिजर्वेंस में डाउट था अगर अभी भी डाउट है तो आप जो जो डाउट आए होंगे शायद आपने इतने सारे क्वेश्चन किए तो अगर डाउट आए हैं कि सर इसका रिजर्वेंस में नहीं तो बताते जाओ मैं इसके अंदर बताता जाऊंगा कि क्या इंप्लीमेशन uh, होगा इसमें कोई हो ऐसा पॉइंट बताइए यही मेनली यही रहता है ठीक है चलिए डाउट पूछ रहे हैं कुछ बच्चे उनका डाउट ले लेते हैं डीआर आर हाँ उसमें डी आर आर आपको बोल रखा होगा नीचे क्या पता ट्रांसफर करने को अगर ट्रांसफर करने को बोलेगा यहां से माइनस और मान लो ओल्ड है ही नहीं तो अलग से डी आर आर दिखा देंगे हम तो हां अगर पुराना है तो उसमें डी आर आर एड हो जाएगा समझे चलिए देखते हैं डाउट किसका है यस मानसी बोलिए क्या कह रहे हो परपोज डिविडेंट आता ही नहीं आपके पास अगर टेन ईयर ले रखा हो तो उसके अंदर कर रखा होगा लेकिन वो पुराने आंसर है जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है परपोज डिविडेंट आता है हमारा फुट नोट के अंदर